तो अगर आपने घर लेने का प्लान किया है या फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको घर लेना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है शिशिर और मैं पिछले 8 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली घर लेने का प्लान किया है और उनको ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, पूरे वीडियो को देखना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। के लिए जिन्होंने अभी अभी जस्ट प्लान किया है कि उनको घर लेना है और उनको ये नहीं पता है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा आपके घर लेने के प्लान को कैसे हम इजीली समझ सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बजट से। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पूरे प्लानिंग का और पूरे प्लानिंग का बैकबोन है बजटिंग। एक बजट ही डिसाइड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ होगी, आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो कितना बड़ा होगा, उसका लोकेशन क्या होगा और उसके बाकी फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बजटिंग और अक्सर मैंने देखा है लोग इस बजटिंग वाले टॉपिक को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और इन फ्यूचर वो पछताते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी लेना इज नॉट ए मतलब एक सेकंड की वो चीज़ नहीं है, इट्स नॉट एन इंस्टेंट थिंग, इट्स नॉट एन स्पॉन्टेनियस थिंग। एक प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं वो प्रॉपर्टी आपके साथ काफ़ी टाइम रहता है, किसी किसी के साथ लाइफ टाइम रहता है, किसी के साथ 2-3-4। मेरे कहने का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टी में घर खरीदना इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इस वजह से प्रॉपर बजटिंग होना चाहिए, बजट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और बजट मतलब क्या, मेरे को 35 लाख का घर लेना है, अब इस 35 लाख को मुझे कैसे डिवाइड करना है, कैसे इसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपने तो डिसाइड कर लिया कि आपको 35 लाख का मकान लेना है, तो ये इतना सिंपल नहीं है कि आप गए, आप बैठे किसी बिल्डर के पास और आपने 35 लाख का मकान ले लिया, ये ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ ऐसे इस पैटर्न को फॉलो मत करना। अगर आपका 35 लाख का बजट है तो आपको अपने बजट को दो हिस्सों में बांट लेना है, एक है प्राइमरी कॉस्ट और दूसरा है सेकेंडरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट क्या हो गया, प्राइमरी कॉस्ट शुड बी दी टोटल कॉस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 30 लाख है, तो वो हो गया प्राइमरी कॉस्ट। अब आपके पॉकेट में कुछ अलग से पैसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग इस सेकेंडरी कॉस्ट को प्लान नहीं करते हैं और आगे जाकर उनको प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करनी पड़ती है, डिस्प्यूट हो जाता है और वो रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं प्लान किया। तो ये जो सेकेंडरी कॉस्ट है, ये सेकेंडरी कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। जैसे अगर आपने 35 लाख का मकान लिया है तो हो सकता है कि ये जो सेकेंडरी कॉस्ट है ये 15 लाख एक्स्ट्रा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी ले, अपने बजट को दो हिस्सों में बांट लीजिए, एक प्राइमरी कॉस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी, दूसरी सेकेंडरी कॉस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी। तो प्राइमरी कॉस्ट तो बहुत सिंपल है समझना, जो आपकी प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट हो गया वो है प्राइमरी कॉस्ट। अब भाई ये सेकेंडरी कॉस्ट क्या है, तो फ्रेंड्स सेकेंडरी कॉस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कॉस्ट का फैक्टर है वो है गवर्नमेंट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी हो गया। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सपोज 30 लाख रुपए का है तो वो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5-12% तक का जीएसटी लग सकता है अलग अलग कॉस्टिंग के थ्रू। तो आप अगर 35 लाख का मकान ले रहे हैं, सपोज मैं बार बार 35 लाख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही फिगर को बेंचमार्क लेकर चलते हैं, तो सपोज आपने 30 लाख रुपए का मकान प्लान किया हुआ है तो उसमें 5-12% तक, हालांकि डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है और वो किस स्टेज में है, हो सकता है कि जीएसटी ना भी लगे क्योंकि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जीएसटी नहीं लगता है। तो इस वजह से 0-12% तक आप लेकर चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी लग सकता है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया 30 लाख रुपए के मकान में। अगर हम मैक्सिमम देखें 10% भी देख लें तो लगभग 3 लाख का तो भैया आपको टैक्सेस लग जाएंगे। तो इस वजह से ये अब आप
समझिएगा, आपने तो 35 लाख का मकान प्लान किया था और आप गए बिल्डर के पास, आपने 35 लाख का मकान ले लिया और बिल्डर भी खुशी खुशी आपको बेच देगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा भाई साहब जब आप अपना टोटल कॉस्ट की बिलिंग आएगी आपके पास, आपको ये 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग कर आएंगे और आपने अपनी पूरी जमा पूंजी 35 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुके हो। तो ये है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने 30 लाख का जो मकान लिया था वो टैक्सेस के बाद सपोज हो जाता है 33 लाख, और लेट सपोज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी 3-4-5-6 महीने है आपके पास कीज आने में, अगर वो रेडी टू मूव इन है ऑलरेडी, आपके पास चाबी आ रही है और अगर ओसी सीसी आ गया है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे डिसाइड होता है कि जीएसटी लगना है कि नहीं लगना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सपोज आपकी प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपने 30 लाख का लिया था प्लान करके, अब वो 31-32 लाख का हो गया आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। अब आप उस प्रॉपर्टी का जब पोजेशन लेंगे तब आपको वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी होगी वहाँ की डेडिकेटेड अथॉरिटी से, या आपको आइडिया होगा जिसको हम अपने देश में रजिस्ट्री कहते हैं। तो रजिस्ट्री जब आप करेंगे अलग अलग जगह में, रजिस्ट्री की अलग अलग कॉस्ट होती है, वो होता है समवेयर अराउंड 5-7%, तो 5-7% का रजिस्ट्री कॉस्ट होता है जो आपको बियर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, पहले आपने 30 लाख रुपए का मकान लिया, उसमें 2-3 लाख के टैक्सेस दिए जीएसटी, तो वो 32-33 लाख का हो गया। अब आपको लेट सपोज 5% का और टैक्स स्टैम्प भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्री करनी है अथॉरिटी में, तो अथॉरिटी कहेगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट का 5% के वैल्यू की स्टैंप ले आइए। तो ये हो गया लेट सपोज 33 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने ली, उसका 5% समवेयर अराउंड हो गया 1.8 लाख ऐसे कुछ होगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं स्पॉन्टेनियस बात कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, तो आपने जो वो 30 लाख की प्रॉपर्टी प्लान करी थी वो टैक्सेस के बाद हो गया 33 लाख, और अब रजिस्ट्री करते वक्त रजिस्ट्री की कॉस्ट की वजह से वो प्रॉपर्टी जो है अब हो गया आपका समवेयर अराउंड 35 लाख का। तो 30 लाख की प्रॉपर्टी जंप करके 35 लाख रुपए की हो गई है, और अभी आपने उसमें रहना शुरू नहीं किया है, अब आप उसमें शिफ्ट करेंगे, तो 5 लाख रुपए का ऑलरेडी गैप आ चुका है शिफ्ट करने से पहले ही। तो अब ऐसा है कि आपने प्रॉपर्टी ले लिया है और आपने टैक्सेस भर दिए हैं गवर्नमेंट को, और आपने रजिस्ट्री भी कर लिया है, स्टैम्प ड्यूटी दे दिया है, अब आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास है, योर प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन द अथॉरिटी। अब आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए, मतलब जब चाबी लेने के लिए बिल्डर के पास जाएंगे, तो बिल्डर कहेंगे आपसे कि सर आपको इसमें कुछ पोजेशन चार्जेस देने हैं। तो ये है तीसरा सेकेंडरी कॉस्ट, पोजेशन चार्जेस। तो अब ये पोजेशन चार्जेस क्या होता है? पोजेशन चार्जेस होते हैं गैस का कनेक्शन, किसी किसी सोसाइटी में आईजीएल, जैसे मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे आईजीएल के गैस का कनेक्शन होता है, काफ़ी माइनर होता है, 6-7-8 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में है। तो गैस का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक मीटर लगना, जो आपकी जो प्रॉपर्टी में बिजली का मीटर है, और पावर बैकअप, मतलब जब बिजली चली जाएगी पावर बैकअप का मीटर, तो ये मीटर का कनेक्शन का पैसा, और काफ़ी सारे चार्जेस रहते हैं, जैसे कई बिल्डर जो है 1-2 साल के जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो एक साथ ले लेते हैं, तो ये लमसम जो अमाउंट है ये भी 1.5 लाख रुपये का बैठता है। तो आपने डिसाइड किया था कि आप 30 लाख की प्रॉपर्टी लेंगे, और वो 30 लाख की प्रॉपर्टी जीएसटी टैक्सेस के बाद हो गया 32 का, आपने रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री में लग गए 2 लाख रुपए, 34-35 के अप्रोक्स आ गया लॉयर का खर्चा, बाकी सारे खर्चे, तो 30 लाख की प्रॉपर्टी अब 35 लाख की हो गई, और अब आप पोजेशन चार्जेस देंगे लगभग 1 लाख रुपए लेकर चलते हैं, तो आपकी 30 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो हो गया 36 लाख रुपये का। तो 30 लाख से 36 लाख हो गया। अब आप समझिए, अगर आपने अपनी पूरा का पूरा पैसा जो है 30 लाख रुपए ही थे आपके पास, पूरा फाइनेंस करके आपके पास 30 लाख रुपए ही आते हैं, अब आप समझिएगा 6 लाख रुपए अचानक से आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। हालांकि 30 लाख से 6 लाख मतलब 36 लाख एक काफ़ी कम अमाउंट लगता है, लेकिन जब हम कोई प्रॉपर्टी करोड़ में प्लान करेंगे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, तब ये फिगर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। तब ये 2 करोड़ का मकान ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ रुपए का, क्योंकि जब बड़े मकान होते हैं उनके खर्चे और उनकी स्टैम्प ऑब्वियसली फिगर्स बढ़ जाएंगे, तो तब ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस वजह से प्लान जब आप बजटिंग करें तो बहुत ही ध्यान से करें, आपके पास स्पेयर
आपकी आपके पास स्पेयर फंड्स आपके पॉकेट में आपके बैंक में होने चाहिए। तो अब आपने प्रॉपर्टी ले लिया है 30 लाख रुपया का और उसमें टैक्सेस रजिस्ट्रेशन और पोजेशन चार्जेस देने के बाद ऑलमोस्ट 35-36 लाख रुपये का आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और अब आप जब घर में रहने जाएंगे तब आपको घर की फर्निशिंग भी करनी होगी, क्योंकि जो आप जिस घर में पहले रह रहे थे हो सकता है उस घर के फर्नीचर्स यहाँ पे फिट ना आए, तो इस वजह से एक फर्निशिंग का भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप अपने दिमाग में रखिए। अब फर्निशिंग की जो कॉस्ट है वो डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनिट है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 50 लाख का मकान लिया है और 50 लाख रुपए ही फर्निशिंग पे खर्च किया है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70-75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली थी और वो ऑलरेडी फर्निश्ड था बिल्डर की तरफ से। तो इस वजह से ये जो फर्निशिंग वाला फैक्टर है ये आपके हाथ में है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं, आप कितना शक्कर यूज़ करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जो बजट है अपनी प्रॉपर्टी का उसको प्रॉपर एनालिसिस कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास पूरी फंडिंग जो है वो आप एग्जॉस्ट कर दें और उसके बाद आपको रात को नींद ना आए और आपको ऐसा लगे कि अब मैं लोन कहाँ से लूँ, मैं किससे पैसे लूँ। और फिर इस बर्डन की वजह से अक्सर प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैंसिल हो जाती है। मैं पिछले 8 साल से जो काम कर रहा हूँ मैंने अक्सर ऐसे क्लाइंट देखे हैं जिनका बजट उनको अलाउ करता है 2 BHK लेने का, लेकिन वो एक्सटेंड करके 3 BHK लेते हैं और ऑलरेडी एक्सटेंडेड बजट में 3 BHK लेने के बाद जब उनको रजिस्ट्री अदर चार्जेस जो ये सारे है टैक्सेस पोजेशन चार्जेस लॉयर के खर्चे और जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन मीटर इंस्टॉलेशन जो भी पोजेशन चार्जेस है फर्निशिंग करना होता है, जब बाद में उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें भी करनी है हकीकत में, तब वो बहुत ही बुरे सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉस्ट को अलग अलग डिवाइड करना चाहिए और अपने बजट में डालना चाहिए। अब हर प्रॉपर्टी और हर लोकेशन से इस प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट में अंतर आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेशियो हर जगह हो। फिर भी आप अच्छे से प्लान कीजिए आपका जो इस वजह से मैं हमेशा यही प्रीफर करता हूँ, हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ले तो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू ही लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाएंगे, बिल्डर आप लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करेंगे और उनके पास टाइम भी नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होगा वो डेडिकेटेड आपको सर्विसेज देगा और ये सारी चीज़ें आपसे समझेगा और आपको भी समझाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं डेली ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ, मुझे नोएडा में काफ़ी साल हो गया है दिल्ली NCR में और मैं दिल्ली NCR की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं पिछले 8 साल से प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ दिल्ली NCR के। मैंने गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद हर जगह प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा रीज़न ये है कि मैंने ये जो सीरीज़ शुरू किया है इस सीरीज़ में काफ़ी सारे एपिसोड्स आएंगे अभी लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि इसको 1, 2, 4 या 5 एपिसोड में फिनिश करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नोएडा दिल्ली NCR के ऊपर डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो एक भी वीडियो अगर मिस हो जाएगा तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।